चॉकलेट मम्मी से मैं सीमा सिंह आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको मार्गशीर्ष अर्थात अगहन मास की गणेश चौथ की कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी सुनने से पहले हमें बोलना चाहिए सोना की चौकी मोतियों का हार, गणेश जी मेरे जीव का आधार। उसके बाद बोलना है गणेश जी के पांच नाम, गणेश जी गणेश जी गणेश जी गणेश जी गणेश जी। उसके बाद हम कहानी सुनेंगे। त्रेता युग में एक धर्मात्मा राजा थे, उनका नाम दशरथ था। उनकी राजधानी अयोध्या थी। एक बार वो शिकार खेलने वन में गए। वो शब्दवेदी बाण एक चला रहे थे और वो ऋषि पुत्र को जा लगा, जो सरयू नदी में अपने अंधे माता पिता के लिए जल लेने गया था। उसका नाम श्रवण कुमार था। बाण के लगते ही वह अचेत हो गया। राजा जब वहाँ पहुँचे तो उसने पूरी बात बताई कि वो अपने अंधे माता पिता को यात्रा कराने निकला था और वह उनके लिए पानी लेने आया था। राजा दशरथ को बहुत दुख हुआ। वो शब्दवेदी बाण एक हिरण के ऊपर चलाने के लिए उन्होंने छोड़ा था और उसने कहा कि मेरे माता पिता को पानी पिला देना। और ऐसा कहते ही श्रवण कुमार के प्राण पखेरु उड़ गए। राजा श्रवण कुमार के अंधे माता पिता के पास जल लेकर पहुँचे। उन्होंने श्रवण कुमार के बारे में बताया कि गलती से उनके द्वारा शब्दवेदी बाण उनके पुत्र को लग गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। अंधे माता पिता ने उसी समय उसी जल से हाथ में लेकर राजा दशरथ को श्राप दिया कि जिस प्रकार हम दोनों पुत्र शोक में मर रहे हैं, उसी प्रकार तुम्हारी मृत्यु भी पुत्र शोक में होगी। राजा दशरथ को बहुत दुख हुआ। दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया तो उन्हें श्री रामचंद्र पुत्र के रूप में प्राप्त हुए। जब राम का वनवास हुआ और सीता हरण हो गया तो रावण से युद्ध करते हुए जटायु की मृत्यु हो गई। जटायु के भाई संपाति ने सीता की खोज के लिए बताया कि रावण की अशोक वाटिका में सीता जी हैं। यदि गणेश जी की कृपा हनुमान जी प्राप्त कर लें तो सीता जी का पता लगाया जा सकता है। श्री राम की आज्ञा से हनुमान जी ने गजानन जी का व्रत किया और बिना एक पल की देर लगाए समुद्र लांग कर लंका पहुंच गए। सीता माता के दर्शन कर राम की कुशल क्षेम का समाचार सुनाया। राम ने लंका विजय करके जानकी को वहां से मुक्त कराया। तो इस कथा के जरिए हमें यह मालूम चलता है कि हनुमान जी ने भी गणेश जी का व्रत किया था और इसका उन्हें फल मिला था। तो आज मैंने आपको अगहन मास की गणेश चौथ की कथा सुनाई। अगर आपको ये पसंद आती है तो प्लीज़ मेरा वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। चॉकलेट मम्मी से मैं सीमा सिंह, धन्यवाद।